राजस्थान में आप पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, अब और बुलंद तरीके से जनता के मुद्दे उठाएगी आप। राजस्थान के जयपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा अदानी मुद्दे पर बीजेपी कार्यालय तक शांति मार्च और प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज और गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत और राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि अदानी के साथ मित्रता, बीजेपी के साथ मिलीभगत और आम आदमी पार्टी के विस्तार से डरी हुई गहलोत सरकार की पुलिस ने बीजेपी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसने अनेक कार्यकर्ताओं को घायल किया। कुछ एक कार्यकर्ताओं के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। पार्टी मुख्यालय पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र गुप्ता ने अशोक गहलोत सरकार से पूछा है कि राजस्थान में लोकतंत्र है या आपातकाल, जिसकी वजह से पार्टी मुख्यालय से चंद कदम की दूरी पर ही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। अगर सड़क पर भाजपा उतरती है तो कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं, लेकिन आपकी सड़क पर उतरते ही अशोक गहलोत विचलित हो जाते हैं और आपके खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही के आदेश दे देते हैं। गुप्ता ने कहा है कि पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाना था। पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता द्वारा किसी भी तरह का कोई उपद्रव नहीं किया गया। इसके बावजूद गहलोत की पुलिस द्वारा अदानी, कांग्रेस और भाजपा के मिले आदेशों की पालना करने के साथ मारपीट की। प्रश्न ये है कि आखिर किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया। गुप्ता ने कहा है कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो इस प्रकार के लाठीचार्ज और जेल भेजने से वो डरने वाली नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता अब और जोश के साथ सड़कों पर उतरेंगे और जनता की आवाज बनकर बिजली, पानी, रोजगार, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे अनेक मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने पार्टी के घायल कार्यकर्ताओं ने रिपोर्ट बनाते हुए कहा है कि पुलिस ने इस तरह से लाठियां बरसाई, उससे ऐसा लगता था जैसे वो हमें रोकना नहीं बल्कि जान से मारना चाहते थे। नवभारत समाचार, जयपुर राजस्थान से चेतन शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आए हुए सभी प्रेस के बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो एक बहुत खास वजह से बुलाई है। आप सभी जानते हैं कि अडानी मुद्दे पर पूरा देश उद्वेलित है और इसी मुद्दे पर कल हमने सड़क पर उतरने का निश्चय किया और शांतिपूर्वक पुलिस को पूर्व सूचना के आधार देने के पश्चात हम अपने प्रदेश कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक, मुख्यालय तक जाकर के पैदल जाते हुए शांति से, और वहां में प्रदर्शन करना था और उसका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के माध्यम से ये आवाज दिल्ली तक पहुंचे, अडानी प्रकरण पर सरकार जेपीसी की जांच बैठाए, सही तरीके से जांच हो, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम का सच सामने आए, और अगर वो नहीं सुनती है तो जनता की अदालत का प्रेशर वहां पर पड़े और फिर जांच हो। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के हर कार्यकर्ता को और हर पार्टी को आंदोलन करने का और शांतिपूर्वक मार्च करने का अधिकार है, और इसी अधिकार का उपयोग करते हुए कल हमने ये मार्च किया था। आप सभी कल साथी यहाँ पर थे और कल जो दृश्य आप लोगों ने देखा है वो आप सभी लोगों ने कैमरे से कैद किया और पूरी जनता को बताया, इसके लिए आभारी हूं। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है, प्रश्न ये है कि हम राजस्थान में लोकतंत्र में जी रहे हैं या फिर आपातकाल में जी रहे हैं, ये हमारा सवाल है श्रीमान अशोक गहलोत जी से। हम प्रदेश कार्यालय से निकले, हमको बमुश्किल 20-25 मीटर भी नहीं जाने दिया गया और वहीं पर हमें रोक लिया गया। रोकने के पश्चात आगे पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया, जबरदस्त तादाद में पुलिस यहां पर थी। हम पुलिस को दोष कम देते क्योंकि पुलिस तो ऊपरी आदेश का पालन करती है। उसके पश्चात हमारे विधायक जी माननीय विनय मिश्रा जी खुद उसको लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उस समय जब हम आगे बढ़ने जा रहे थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे, ना हमारे हाथ में कोई लाठी थी, ना कोई अस्त्र था, ना कोई पत्थर था, सिर्फ हमारे बैनर थे, किसी को खतरा नहीं हो सकता था हमारे। हम पहले हमने एश्योरेंस दी थी कि हम शांतिपूर्वक जाएंगे। वहां पर जबरन हमें रोका गया और रोकने के अलावा जिस निर्दयता से पुलिस ने लाठी चार्ज किया, और लाठी चार्ज का एक तरीका होता है, पहले बाकायदा मजिस्ट्रेट का आदेश वहां पर आता है, उसके बाद आप लाठी चार्ज करते हैं। हमें मांग कर रहे हैं कि क्या ऐसा कोई आदेश था कि हम पर लाठियां बरसाई जाए। दूसरा, लाठियां जो बरसाई गई, वो लाठियां भी जब बरसाई जाती हैं तो ये देखा जाता है कि किसी के ऊपर इस तरह की शारीरिक चोट ना आए जिससे कि उसे बहुत जबरदस्त नुकसान हो। लाठियां बरसाने का तरीका ये था कि जहां जिसको मिला
पैरों में मारी, घुटनों में मारी, जांघों के मध्य में मारी, पीछे से मारी, सर पे मारने की कोशिश की गई, पसलियों मारने की कोशिश की गई। ऐसा लगा जैसे कोई ऐसा ऊपरी आदेश था कि इन लोगों को इस तरीके से मारो, इनका हौसला इस तरीके से तोड़ो कि दोबारा से ये सड़क पर नहीं आ सके। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे पर अमानवीय व्यवहार कल किया गया, जिस तरीके से अत्याचार किया गया, जिस तरीके से लाठियां बरसाई गई, वो किसका ऊपरी आदेश था जिसके आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। दूसरा, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमें रोकना ही था, देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीभगत सामने आती है। सामने इसलिए आती है कि ऐसा नहीं था कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना मार्च लेकर सड़क पर उतर रही थी। भारतीय जनता पार्टी भी कई बार आंदोलन करती है, मुख्यमंत्री आवास को घेरने की प्लानिंग करती है, बाकायदा जनता को बताती है, प्रेस को बताती है, वो वहां से निकलते हैं, लेकिन उनको भी सिविल लाइन फाटक तक जाने दिया जाता है। अगर उनको रोका जाता है तो मुख्यमंत्री आवास के 50 या 100 मीटर के पहले रोका जाता है। हमें अपने प्रदेश कार्यालय से 50 मीटर भी आगे नहीं जाने दिया गया। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं अशोक गहलोत जी से कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्या हमारे पर आपातकाल लागू था? क्या हमें नजरबंद करने की प्लानिंग है? क्या उन्हें ऐसा कौन सा डर है हमसे जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सड़कों पर नहीं उतरे? भारतीय जनता पार्टी अगर करती है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस करेगी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उनका डर यह है कि आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है कि इन दोनों की जो मिलीभगत है उस खेल को बिगाड़ सकती है, जनता की आवाज बन सकती है, जनता की आशा बन सकती है, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस तरह आप जुल्म करेंगे, इस तरह रोकने की कोशिश कर सकेंगे, इस तरीके से लाठियां बरसाएंगे, तो आपकी जो लाठियां हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं के कंधे तो तोड़ सकती है पर हमारी आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसके हौसले को नहीं तोड़ पाएगी। और कल आपने जो कृत्य किया है हमारे साथ में, उसके बाद आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता उद्वेलित है। आपने जन नेता को नहीं बख्शा, आपने विनय मिश्रा जी के ऊपर लाठियां बरसाई, उनको चोट लगी, आपने हमारी जो सोशल मीडिया टीम है उसको नहीं बख्शा। मीडिया टीम बार बार ये कहती रही हमारी सोशल मीडिया टीम कि हम इसका लाइव कर रहे हैं, आपने उनके ऊपर लाठियां बरसाई, जो मीडिया मैनेजमेंट देख रहे हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाई। हमारे तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता घायल हुए, 2 व्यक्तियों को एम्बुलेंस से हमको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। एक हमारे जो कार्यकर्ता जो आज यहां नहीं आ पाए, उनकी हालत ये थी कि वो बार बार कहते रहे कि मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, मेरे लिवर में प्रॉब्लम है, उनके पेट पर लाठियां मारी गई। और लाठियां मारने का अंदाज ऐसे था जैसे लाठियां रोकने के लिए नहीं मारी जा रही है बल्कि लाठियां नष्ट नाबूद करने के लिए मारी जा रही है। हम अशोक गहलोत जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि इस क्या राजस्थान में लोकतंत्र नहीं है? क्या राजस्थान में हमें लोकतंत्र की तरह से काम करने का अधिकार नहीं है? और एक सवाल और यहां पर है कि उन्हीं के नेता राहुल गांधी संसद में जो भाषण देते हैं उसका 80% हिस्सा अडानी को डेडिकेटेड होता है, उस पर सवाल उठाते हैं, संसद के बाहर सवाल उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि इनके खिलाफ सड़क पर उतरो। आश्चर्य की बात है, या तो अशोक गहलोत जी ये कहते हैं कि वो अडानी के साथ है, वो ये कहते हैं कि इस मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ है, और अगर वो साथ नहीं है तो हम तो उन्हीं का काम कर रहे थे, उन्हीं के नेता तो कह रहे हैं कि सड़क पर उतरना चाहिए, हम तो वही काम कर रहे थे और वही हमें रोका गया। इसका मतलब है कि जो कांग्रेस की सरकार है, हम आपके माध्यम से राहुल गांधी तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ और कह रहा है अडानी को लेकर के, और राजस्थान का जो नेतृत्व है, राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनका वर्जन, उनका साथ, उनका दोस्ताना अडानी को लेकर कुछ और है। अन्यथा उन्हें तो बल्कि हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए था कि जिसको उनका लीडर कह रहा है, जिसकी वजह से वो सड़क पर उतरने के लिए कह रहे हैं, अगर हम उसके लिए उतर रहे हैं तो उनको हमारा प्रोत्साहन करना चाहिए था कि हाँ इस मुद्दे पर आप आगे बढ़िए, हम भी आपके साथ हैं, आपकी सहायता करेंगे। ये सारी चीजें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस राजस्थान में मिलीभगत का खेल खेल रहे हैं। जनता की आंखों में धूल झोंकना और सिर्फ अपनी रोटियां सेकना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अशोक गहलोत जी को, आप कितना जुल्म करें, कितनी लाठियां बरसाएं, कितना नजरबंद करें, हमारे हौसलों को कितना तोड़ने की कोशिश करें, जितना आप जुल्म करेंगे, जितना हमको रोकने की कोशिश करेंगे, जितनी लाठियां बरसाएंगे, हमारे हौसले उससे 10 गुना ज्यादा तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। आज हमने अडानी मुद्दे पर आवाज उठाई, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को हमने सारे वीडियो और फुटेज भेजे हैं, उनके आदेश की हमको प्रतीक्षा रहेगी, वो जो अगला आदेश करेंगे हम आदेश की पालना करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से अशोक गहलोत जी को आम आदमी पार्टी स्पष्ट रूप से कह रही है
कि आप कितना भी मिली भगत का खेल कर लें, आप चाहे जो करें, अब जनता की आवाज आम आदमी पार्टी बन रही है राजस्थान में। आपका वो जो डर था गुजरात में कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की वजह से आप हार गए, तो यकीन मान के चलिए कि आप उस डर से बचने के लिए आम आदमी पार्टी पर लाठी चलाकर नहीं बच सकते। आपको बचना है तो अपने कामों से बचना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे सड़कों का मुद्दा हो, हर मुद्दे को लेकर जनता की आवाज बनकर के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, मार्च करेगा। हम भी ये देखना चाहते हैं कि सरकार कितना जुल्म कर सकती है, सरकार हमें कितना रोक सकती है, क्योंकि जब जनता खड़ी होती है तो ना सरकार रोक सकती है, ना शासन रोक सकता है, ना प्रशासन रोक सकता है। दूसरा, आप मेरे साथी यहां पर देख रहे हैं, ये कल कुछ लोगों ने वहां पर कहा है कि हमने पुलिस वालों को कहते सुना, और मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका दोष मैं बहुत ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो आदेश की पालना करते हैं, वो तो टूल्स हैं, टूल्स जिन हाथों को चला रहा है उस हाथ का दोष है। उन्होंने तो वहां हमें कहा गया कि चोट किसके लगी, हमारे बहुत से 2 दर्जन से ज्यादा साथियों की अच्छी खासी चोट आई है। बहुत सारे साथी हमारे बाहर से आए हुए थे, उनके माता पिता चिंतित थे, घर वाले चिंतित थे, चले गए। मैं कुछ साथियों को आपके सामने आज पेश कर रहा हूं, उन साथियों की हमारे पास में मेडिकल रिपोर्ट्स है, ये सारी मेडिकल रिपोर्ट्स है, हमारे पास एक्सरेज है जिसमें फ्रैक्चर्स है, और मैं लाइव आपको यहां पर उन साथियों की चोट यहां पर दिखाऊंगा, और वो चोट के माध्यम से आप समझ पाएंगे। आप साथियों अपना प्रेजेंटेशन यहां पे देखें किस तरीके से उनको मारा गया है, यानी मारने का जो इनका कहना ये है कि जो मारने का तरीका था वो मारने का नहीं था, वो खत्म करने का तरीका था। ऐसे लगा जैसे वो बाय इंटेंशन किसी ने कहा है उनको, शासन प्रशासन ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको इतना नेस्ताबूत करो, इनको इस तरीके से मारो कि भविष्य में इस सड़क पर उतर नहीं। मैं आपका एक एक करके परिचय करवा रहा हूं यहां पर, और मैं पुनः आपको दोहरा रहा हूं कि हम ये मांग कर रहे हैं शासन से कि ये किसके आदेश से हम पर लाठियां बरसाई गई, किसके आदेश से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो स्पष्ट रूप से है कि ये जानबूझकर बेला फाइट इंटेंशन से हमारे हौसलों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, हमें सड़क पर रोकने के लिए, और चूंकि ये समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी दोनों समझ रही है कि इनका जो बंदरबाट है, एक बार तू एक बार मैं, शासन के पास तू आना एक बार मैं आना, ना तू मेरे खिलाफ बोलना ना मैं तेरे खिलाफ बोलूंगा, ना तू मेरे खिलाफ जांच करना ना मैं तेरे खिलाफ जांच करूंगा, ये जो बंदरबाट है उस बंदरबाट का रायता अगर कोई फैला सकता है तो आम आदमी फैला सकती है। और उसी के नजरिया ये है कि हमको सड़क से 20 मीटर आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, 200 मीटर हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमको, अगर हमको बीच में रोक लेते आप, हमको नहीं पहुंचने देते, अरे हमको चौराहे तक तो पहुंचने देते, हमको सड़क पर तो आने देते, हम कोई आतंकवादी तो नहीं है, हम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं, जनता की आवाज उठाते हैं और लोकतंत्र में रहते हैं, हमारा अधिकार है ये सब कुछ, हमारे मूलभूत यानी जो संविधान में हमें अधिकार दिया गया है, जो लोकतंत्र का मूलभूत अधिकार है। आश्चर्य का विषय है कि हमारे उस अधिकार का भी हनन किया गया और हमें वहां भी रोक दिया।